country, petroleum is found in Assam, Gujarat and Mumbai High. भारत में पेट्रोलियम प्राप्ति के तीन स्थान हैं, असम, डिगबोई, नहरकटिया आदि क्षेत्रों से, गुजरात के अंकलेश्वर से और महाराष्ट्र में मुंबई हाई से हम लोग पेट्रोलियम की प्राप्ति करते हैं। नेक्स्ट जो है नेचुरल गैस इज ऑल्सो ए फॉसिल फ्यूल्स बट फाउंड इन गैसेस फॉर्म। सो नेचुरल गैस इज फाउंड ऑन ग्लोबल लेवल इन रशिया, नीदरलैंड, यूएसए, जर्मनी, बट यूएस इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का उत्पादन करने वाला कंट्री यूएसए। In our country, also natural gas is found in mainly Assam, Gujarat, Mumbai High and Krishna Godavari Basin, River Basin. भारत में भी natural gas Assam, Gujarat, मुंबई हाई और कृष्णा एवं गोदावरी नदी की घाटियों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, नन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब होता है सच सोर्सेज विच हैव बीन डेवलप्ड रिसेंटली। हाल के वर्षों में नियर अबाउट ईयर्स में डेवलप किए हैं उसे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट सच ए सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच आर रिन्यूएबल टाइप ऑफ एनर्जी इज नोन एज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कहने का मतलब वैसे एनर्जी जो है जो एनर्जी के सोर्स हैं जो कन्वेंशन सॉरी रिन्यूएबल टाइप के हैं, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, दीज आर एग्जांपल ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दे कैन नॉट बी एक्सहॉजिटेड, वो क्षय इस बार नहीं हो सकता है। सो वी वॉन्ट टू डिस्कस फर्स्टली अबाउट सोलर एनर्जी। सो इसलिए यहाँ पर हम सबसे पहले सोलर एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करना चाहें। इंडिया हैज ए मेजर पॉसिबिलिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी बिकॉज आवर कंट्री इज लोकेटेड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। सो आवर कंट्री ऑब्टेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सनलाइट और सनरे। हमारा कंट्री हमारा देश ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में इसकी स्थिति जिसके कारण हमारे देश को पर्याप्त मात्रा में सूर्य प्रकाश मिलता है। सो यहां पर सोलर एनर्जी की विकास की भारी संभावना है। एंड एट प्रेजेंट टाइम गुजरात एंड राजस्थान बोथ स्टेट्स आर डेवलपिंग टूवर्ड सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के क्षेत्र में दोनों राज्य काफी बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, विंड एनर्जी इज ऑल्सो ए नॉन कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल
सोर्स ऑफ एनर्जी और बीन एनर्जी डेवलप्ड मेनली इन कोस्टल एंड डेजर्ट रीजन। बीन एनर्जी प्रायः कोस्टल और डेजर्ट रीजन में ज्यादा डेवलप करते हैं, कारण उन क्षेत्रों में हवाएं काफी तीव्र गति से बिना रोक ठोक करके प्रवाहित होती है, जिसके कारण वहां पर बीन एनर्जी की भारी पॉसिबिलिटी है। सो इन अवर कंट्री तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र लाइक कोस्टल स्टेट्स में विंड एनर्जी काफी डेवलप है, लेकिन तमिलनाडु इज द लार्जेस्ट कंट्री रिगार्डिंग विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में सबसे बड़ा देश यहां नगर कोइल से मदुरई तक एक लंबे क्षेत्र में बहुत सारे विंड फार्म, सोलर विंड एनर्जी का काफी विकास हुआ है। भारत में सबसे ज्यादा विंड एनर्जी का विकास तमिलनाडु में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र केरल में भी हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा तमिलनाडु। उसके बाद है न्यूक्लियर एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो जेनरेट विद द हेल्प ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम। यूरेनियम और थोरियम की सहायता से भी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी पैदा किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम के डिफ्यूजन के कारण उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। और हमारे कंट्री में भी बहुत सारे स्थान पर एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट एस्टेब्लिश किए हुए हैं। कल्पक्कम इन तमिलनाडु, कोटा इन राजस्थान, कायगा इन कर्नाटका, नरोरा इन उत्तर प्रदेश, डिफरेंट स्थान पर तारापुर इन महाराष्ट्र, बहुत सारे भारत में बहुत सारे जो न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट लगाए गए जिससे बिजली पैदा किया जाता है। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी इज जनरेटेड थ्रू ऑब्टेनिंग ऑफ जियोथर्मल एनर्जी का विकास पृथ्वी के भूगर्भ से निकलने वाले जो ऊष्मा होते हैं, हीट है होते हैं, उसी को एब्जॉर्ब करके प्राप्त किया जाता है। जियोथर्मल एनर्जी इज जेनरेटेड थ्रू द हेल्प ऑफ जियो टेम्परेचर, भूगर्भ की गर्मी। जब हम वोल्केनिक इरप्शन या किसी के माध्यम भौगर्भिक हलचल के कारण अगर भूगर्भ का इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ का हीट अगर किसी फीसर और वेंट के माध्यम से बाहर निकलता है, जैसे फॉर एग्जांपल हॉट स्पर और आर्टिजन वेल के माध्यम से निकलता है, और उस हीट को ऑब्जर्व करके जब बिजली पैदा की जाती है तो उसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। जियोथर्मल एनर्जी इज डेवलप्ड इन टू प्लेसेस इन अवर कंट्री। फर्स्ट पीवा वैली इन लद्दाख एंड सेकेंड नियर मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के पास और लद्दाख के पीवा वैली में जियोथर्मल एनर्जी प्लांट डेवलप किया गया है। नेक्स्ट टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी इज ऑल्सो ए नॉन कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल टाइप ऑफ एनर्जी। थर्मल एनर्जी इज जेनरेटेड विद द हेल्प ऑफ
ओशनिक टाइड और मेरिन टाइड, समुद्रिक लहरों, समुद्र में जो उठते हैं ज्वार भाटा, उसकी सहायता से टाइडल एनर्जी जनरेट किया जाता है। इसमें कोस्टल एरिया में बड़े बड़े रिजर्वियर बनाए जाते हैं, जलाशय बनाए जाते हैं। राइजिंग टाइड के समय जब सी का वाटर लेवल काफी ऊंचा उठ जाता है, ज्वार आते हैं जिसके कारण बहुत बड़े अमाउंट में जल जो है तट पर चढ़ आता है, वैसा होने से काफी परिमाण में जो जल है, वाटर है, इन रिजर्वियर में स्टोर हो जाते हैं। और जब स्टोर राइजिंग टाइड्स के समय उन रिजर्वियर के जो गेट जो होते हैं उसको शट आउट कर दिया जाता है, जिसके कारण बहुत सारा जल उसमें इंटर कर जाता है और स्टोर हो जाता है। जैसे ही रिटर्निंग टाइड्स की स्थिति आती है, शट डाउन कर दिया जाता है, रिजर्वियर का गेट बंद कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि बहुत सारा मात्रा में जो जल उसमें इकट्ठा हो जाता है और उस स्टोर जल से भी जेनरेट हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, उससे हम जल विद्युत पैदा करते हैं। और वही उन रिजर्वियर में जो स्टोर वाटर होता है और जिससे जो हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, उसी को हम टाइडल एनर्जी।